कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिवस के मौके पर आज देहात अल्पसंख्यकों की ओर से 501 खाने के पैकेट वितरण कर मनाया गया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज हजरत ख्वाजा गरीबनाथ की दरगाह के बाहर अजमेर अल्पसंख्यक देहात अध्यक्ष हाजी महमूद खान के नेतृत्व में गरीब और बेसहारा लोगों को 501 खाने के पैकेट वितरण कर उनकी लंबी आयु की दुआ की गई। आपको बता दें कि अजमेर में अल्पसंख्यक के देहात अध्यक्ष हाजी महमूद खान समय समय पर लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। आज अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इमरान प्रतापगढ़ के जन्मदिवस पर भी आज इन्होंने हजरत ख्वाजा गरीबनाथ की दरगाह के बाहर 501 लोगों को खाना वितरित कर बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की लंबी आयु के लिए भी दुआ की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माइनरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा सांसद हैं। आज उनका यौम पैदाइश है। हम सब अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग के जो कार्यकर्ता और साथी लोग हैं मेरे, हम सब मिलकर आज उनका जन्मदिन के ऊपर उसको बहुत हर्ष और खुशी के साथ मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर आज अजमेर हजरत ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज की दरगाह के सामने 501 ज़रूरतमंद परिवारों ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण किया है। और उसका मेन उद्देश्य यह है कि इन लोगों की दुआ लगे और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की उम्र लंबी हो और जिस तरह वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, पूरे देश की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र बरकत दे और इसी तरह उनको खिदमत करने का जज्बा उनको मिलता रहे। मैं मोहम्मद महमूद खान, अध्यक्ष अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस आई। ओके रोल। हाँ ओके। आज राष्ट्रीय माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जन्मदिन मनाया गया, जिसके अंदर हाजी महमूद खान जी के नेतृत्व में फूड पैकेट बांटे गए दरगाह बाज़ार के अंदर। और बहुत खुशी की लहर भी है कि महमूद खान साहब यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसे आए दिन काम करते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेते रहते हैं। अच्छे